हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ द बेबी इन येलो के साथ। गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को। अरे नहीं, ये तो नन्ना सा प्यारा मासूम क्यूट बेबी है। भाई ये खाली दिखने का बच्चा है, असलियत में तो ये फाड़ देता सबका कच्चा है। तो गाइज ये पीला बच्चा एक शैतान है, और आज तक ना जिसने भी इसे बेबी सिट किया ना उसका पता नहीं क्या हुआ, कोई नहीं जानता। तो पूजा नाम की एक लड़की थी। इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाने। ओके यार, तो कहानी शुरू होती है जब पू नाम की एक लड़की को गर्मियों की छुट्टियों में एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है, जो होती है बेबी सिटिंग की, यानी उसे बच्चे के ऊपर बैठना होता है। अबे क्या बोल रहा है तुझे? क्या अंटे संटे बोलते रहते हो? बेबी सिटिंग मतलब बच्चों की देखभाल करने की जॉब, वो भी जब उनके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं। अरे मजाक कर रहा था यार, प्रॉपर बेबी सिटिंग की जॉब मिली थी उसे। नाउ गाइस, पू को ना एक बेबी को बेबी सिट करना पड़ता है। नाउ उस बच्चे ने येलो कलर की स्वेटर पहनी होती है, सो हम उसे बुलाएंगे पिल्लू हटेला। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला बनाना। पिल्लू की स्वेटर पे ना एक क्राउन यानी ताज भी बना होता है, जिसका ना बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो पहली रात शुरू होती है। पू फ्रिज से दूध की बॉटल लाके पिल्लू के मुंह में डाल देती है, जिसे वो एक ही बार में गटक लेता है। अरे पिल्लू सिर्फ आगे से नहीं डकारता बल्कि पीछे से भी कर देता है। सो पू उसे बाथरूम में ले जाती है और उसे नई नैपी पहना के उसके साथ थोड़ी देर खेल के उसे ऊपर उसके बेडरूम में छोटी वाली खटिया पे सुला के आ जाती है। और फिर पू नीचे लिविंग रूम में आके मस्त करके टीवी देखने लगती है, जो देखते देखते ना बेचारी को नींद की झपकियां आने लगती हैं। वैसी ही झपकियां जो स्कूल की किसी बोरिंग क्लास में आती हैं, आप उठे भी होते हो बट साइड से सो भी रहे होते हो। हाँ, और जब टीचर नाम लेके बुलाती है तो राजू रस्तों की कहाँ? प्रेजेंट सर। ओके, सो पू टीवी देखते देखते झपकियां मार ही रही होती है कि उसे ऊपर से पिल्लू के रोने की आवाज आती है। सो पू ऊपर जाती है, बट शी इज सरप्राइज्ड टू सी कि पिल्लू तो वहाँ था ही नहीं, ना तो अपने बेड पे और ना ही उस रूम में। देन वो नीचे आती है, जहाँ उसे दिखता है कि पिल्लू तो जमीन पे बैठ के रो रहा था। नाउ ये देख के ना पू की फू हो जाती है, मतलब यार उतना छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा जो खुद खा भी नहीं सकता, वो अपने कमरे में पालने से उतर के सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया तो आया कैसे? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करती है, मतलब उसका बच्चा थोड़ी ना है यार। एंड शी गोज लाइक, अपने को क्या, अपने को तो बेबी सिटिंग करके रोकड़ा कमाना है। सो वो पिल्लू को उठा के वापस उसके रूम पे सुला आती है, और नीचे आके दोबारा टीवी देखते देखते वो सो जाती है। आज का सवाल, माइनक्राफ्ट की एंटिटी नल क्या लगाने के लिए जानी जाती है? ए साइन बोर्ड्स, बी एंचेंटमेंट टेबल, या फिर सी बीकन? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। फिर होती है अगली रात यानी नाइट टू, और यहाँ से ना चीजें और भी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होने लगती हैं। तो गाइस पू को ना वही डाइनिंग टेबल पे एक की रखी हुई मिलती है, जिससे उस पिल्लू बेबी के बगल वाला रूम खुलता है, जहाँ अंदर टेबल पे कई जलती हुई कैंडल्स रखी हुई होती हैं, और उनके बीच में ना एक टेप होता है। और गाइज ये सब देख के ना ऐसा लग रहा था ना मानो किसी ने वहाँ जादू टोना वगैरह किया हो। नाउ पू उस टेप को प्ले करती है। A few minutes later. तो यार उस टेप में ना एक बंदा कह रहा होता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने बेबी सिटर की जॉब शुरू करी। ओ, तो क्या इससे पहले भी पिल्लू का कोई बेबी सिटर था क्या? हाँ, और एक नहीं बल्कि कई सारे, जिन सभी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हुई, बट वो सब उन्हें इग्नोर करते रहे और पिल्लू को संभालने में लगे रहे, जिसके बाद लास्ट में खत्म, टाटा गया। नाउ वो टेप वाला बंदा
हस्तर और कैसेल्डा के बारे में भी कुछ बोलता है, जो कुथुलू माइथोस के बड़े ही फेमस मॉन्स्टर्स हैं, और शायद से ना ये पिल्लू बेबी भी ना उनसे ही रिलेटेड है। नाउ ये सब देखने और सुनने के बाद पू थोड़ा सा डर जाती है, बट देन शी थिंक्स कि पिल्लू छोटा सा बच्चा ही तो है, तो वो पिल्लू के लिए फ्रिज से दूध की बॉटल लाके उसे पिला देती है। फिर पिल्लू कर देता है छी छी, सो पू उसे बाथरूम में उसकी नैपी बदलने के लिए ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो नैपी उठाने के लिए आगे बढ़ती है ना, वो नैपी अपने आप खुद ब खुद ऊपर जाने लगती है। आगे आगे कच्चा, पीछे पीछे पू। और उस नैपी का पीछा करते करते पू ऊपर पेरेंट्स के बेडरूम में पहुंच जाती है, जहां टेबल पे एक टैलिस्मैन रखा होता है, अलोंग विद अ बुक, टैलिस्मैन एंड देयर यूजेस इन चाइल्ड केयर। वैसे टैलिस्मैन मतलब जादुई ताबीज। अब इसके बाद पू नीचे आके पिल्लू को नई नैपी पहना देती है, और फिर वो पिल्लू को उठा के उसके कमरे में ले जाने लगती है। पर तभी बैम, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और पिल्लू उसके हाथ से टेलीपोर्ट होके सीढ़ियों के नीचे पहुंच जाता है और ऐसा मुंह बनाता है, इस मॉन्स्टर की आंखें तो देखो लाल लाल चमक रही हैं, बंदर के पिछवाड़े की तरह, मतलब कुछ भी। फिर थोड़ी देर बाद लाइट्स वापस आ जाती हैं और पू पिल्लू को उठा के उसके बिस्तर में सुला आती है, और फिर खुद नीचे आके टीवी देखते देखते सो जाती है। देन होती है फाइनल नाइट, यानी नाइट 3। और गाइज अभी तक जो हुआ ना वो तो बस ट्रेलर था, असली भूचाल तो इस रात आता है। ओके, सो पिल्लू रोने लगता है, सो पू ऊपर जाके उसे शांत करके आती है, बट जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरती है नीचे अंधेरा हो जाता है, और दीवारों और जमीन पर फीड मी फीड मी फीड मी लिखा हुआ चमकने लगता है। वैसे फीड मी मतलब मुझे खिलाओ। पू की फटके टाइट हो जाती है, बट पता नहीं गाइस वो किस मिट्टी की बनी थी ना कि वो भागती नहीं है, उल्टा फ्रिज में मिल्क की बॉटल लेने के लिए चले जाती है। बट जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलती है ना, तो भाई फ्रिज के अंदर तो एक गुफा बनी हुई होती है। अरे ऐसा फ्रिज घर के लिए मंगा लो फटाफट, खाना लाते लाते जॉगिंग भी हो जाएगी। वाह यार क्या मुँहते हो, इतना सुसु लाते कहां से तुम? ओके, सो पू उस लंबे से फ्रिज में अंदर घुस जाती है, बट जैसे ही वो बॉटल को लेकर बाहर आने लगती है फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। पू चिल्लाती है, और जब वो बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोल के बाहर आती है तो शी फाइंड्स आउट कि पिल्लू तो सामने टेबल पे बैठा हुआ था और जोर जोर से रोने में लगा था, वो भी अपना एलियन जैसा डरावना मुंह बना के। जिसके बाद पू उसे दूध की बॉटल पिला के शांत कर देती है, लेकिन दूध पीते ही ना पिल्लू फिर से छी छी कर देता है। सो पू उसकी नैपी चेंज करने के लिए उसे बाथरूम में ले जाती है, बट जैसे ही वो उसे रख के पीछे नैपी उठाने के लिए मुड़ती है ना, पिल्लू हवा में उड़ता हुआ उसके मुंह के आगे आ जाता है और अपनी गर्दन गोल गोल घुमाने लगता है। पू की ना गाइस हालत खराब हो जाती है, बट देन उसे याद आता है कि ऊपर पेरेंट्स के बेडरूम में तो एक ताबीज रखा हुआ था, सो वो उसे लेकर आती है, और जैसे ही वो उसे पिल्लू की तरफ करती है, पिल्लू फुटबॉल की तरह उड़ जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। देन पू उसे उठाती है और ऊपर उसके बेडरूम में ले जाने लगती है, बट सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते ही पिल्लू फिर से हवा में उड़ने लगता है, लाइट्स झपझप होने लगती हैं और वो उड़ता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। बट गाइज अब ना पू की कतई फट गई थी और वो सोचती है कि, बट जैसे ही वो भागने के लिए पीछे मुड़ती है सीढ़ियों पर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ से कुछुलू के जैसे काले काले टेंटिकल्स उसका रास्ता रोकने लगते हैं, और मजबूरी में वो पिल्लू के रूम की तरफ जाती है। बट गाइज उधर तो ना अलग ही लेवल का भूतियापा चल रहा था, पिल्लू हवा में उड़ रहा था और कमरे की दीवारों और जमीन पे काला काला लिक्विड भी पड़ा हुआ था। टट्टी है, अरे इस पीले ने तो काला हगी दिया है, गजब आइटम है भाई ये तो। और गाइज इसके बाद ना पू जैसे ही आगे बढ़ती है ना, पिल्लू हवा में ऊपर को उड़ लेता है और पू को भी अपने साथ ले जाता है। मगर कहाँ? अरे एक डेमोनिक पोर्टल में, जो एक दूसरी डिमेंशन में खुलता है, एक मिथिकल सिटी में जिसका नाम है कारकोसा, और वहाँ रहता है कुथुलू का सौतेला भाई और उसका सबसे बड़ा दुश्मन द किंग इन येल्लो, यानी हस्तर।
बट गाइज इसके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट्स, जो अगर आप फटाफट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बता दो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।